इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम और अतराप में फिर से ऐसी घमासान जारी है। हाल ही में पंचायत चुनाव मुकम्मल हुए, जिसमें एक तरह से भाजपा की ही जीत हुई है। 380 में 280 जगहों पर भाजपा की जीत होने की बात कही जा रही है। पहले कांग्रेस पार्टी के और अब भाजपा के अहम कायद बने जिला वजीर रमेश जारकिहोली ने एक बार फिर बेलगाम ग्रामीण की कांग्रेस एमएलए मोहतरमा लक्ष्मी हपाड़कर को निशाना बनाते हुए कहा कि मैं चाहूं तो अब भी तमाम पंचायत मेंबरान जो अब जीत चुके हैं उन्हें भाजपा में ला सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि आखिर रमेश जारकिहोली इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पर कहते हैं, इसका जायजा खुद कांग्रेस लीडरों को लेना होगा। किस बात की कमी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में है, जिसकी वजह न सिर्फ पार्टी को नुकसान हो रहा है बल्कि हर चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ पंचायत चुनाव बल्कि आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव या फिर बेलगाम लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए यकीनन एक चुनौती साबित हो सकते हैं। वैसे में मरकजी रियासती या बेलगाम शहर के कांग्रेस मेंबरान में आपसे इख्तलाफात देखे जा सकते हैं। मुल्की सतह पर किसी भी कामयाबी का सहरा मोदी हुकूमत के सर ना होते हुए भी महज जज्बाती मौजूदों के जरिए अवाम के जहन को किस तरह मुंतशिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से भाजपा कामयाब हो रही है, ऐसा भी कई लोगों का कहना। और कांग्रेस के पास कमजोर कयादत की बिना पर शिकस्त खानी पड़ रही है। मुस्लिम और दलित समाज भाजपा विरोध में होने के बावजूद भी मुख्तलिफ जगहों पर दलित हो या मुस्लिम बटे हुए दिखाई देते हैं। अक्सरियत तबके को अपनी तरफ माइल करने में कांग्रेस नाकाम तो भाजपा कामयाब होती दिखाई दे रही। कांग्रेस पार्टी की एक और कमजोरी ये रही कि पार्टी ने कैडर नहीं बनाए, वही भाजपा के पास आरएसएस का कैडर है। वैसे भी जमाने का उसूल है कि लंगड़े घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता, लिहाजा भाजपा जीतने वाला घोड़ा है और सभी को भाजपा के टिकट की जरूरत है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी 136वें यौम बुनियाद पर मौजूद ना रहना पार्टी को लेकर राहुल गांधी कितने संजीदा है समझ में आता है। रमेश जारकिहोली और लक्ष्मी हपाड़कर तनाजा वैसे भी काफी पुराना है, लिहाजा रियासत की जेडीएस कांग्रेस हुकूमत गिरने की वजह भी यही तनाजा कहा गया। बेलगाम और दिगर चार कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने के लिए भी कांग्रेस के आपसी इख्तलाफात की वजह बनने की बात भी अक्सर कही जाती है और मुल्की सतह पर भी आपसी इख्तलाफात कांग्रेस को ले डूबने की अहम वजह बनी हुई है। अवाम यह बात समझने से कासिर है कि क्या पार्टियां किसी सोच फिक्र यानी किसी आइडियोलॉजी पर है भी या नहीं। कहने का मतलब कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा पर कांग्रेस बनी है तो जनसंघ और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पर भाजपा बनी है, पर अब इस सोच फिक्र की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, किसी भी पार्टी में अपने मुफाद के लिए कोई भी लीडर छलांग मार सकता है। लिहाजा आवाम बेवकूफ बनती जा रही है, उसे पता ही नहीं रहता कि जिस पार्टी के कायद को बेहतर समाज बेहतर भारत बनाने के लिए वोट दिया जाता है वो जीतने के बाद अपने मुफाद के लिए खेमा बदल भी सकता है। गांधीवादी या गोडसेवादी चुनना बेहद मुश्किल बनता जा रहा है, आवाम भी बदलती जा रही है। वक्ती तौर पर जो भी हाथ लगे उसे समेट कर किसी को भी जिताने का रुझान बढ़ता जा रहा है। धर्म नफरत फसाद का दौर जारी है, जबकि आवाम के लिए दो वक्त की रोटी रोजगार महंगाई से निजात और बेहतर जिंदगी की तलाश में है, पर सियासत अब कुछ गिने चुने लोगों का काम बना हुआ है। आवाम के खिदमात अंजाम देने की बजाय एक दूसरे पर तंज और एक दूसरे से इंतकाम की साजिशों को अंजाम दिया जाता है। लिहाजा आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव भी सियासी परचम के तहत लड़े जाने वाले हैं। कांग्रेस भाजपा और दिगर सियासी पार्टियां उम्मीदवारों की तलाश में है। लोकसभा के लिए भी मंसूबाबंदी जारी है। कांग्रेस नए दमखम के साथ कमबैक करना चाहती है, पर कारकुनान में वो जोश और जज्बा नजर नहीं आ रहा। आज भी कांग्रेस में उम्मीद की बजाय मायूसी ही नजर आ रही है। वैसे भी बुजुर्ग कायद सीएम इब्राहिम हो या सिद्धरामैया के दरमियान अक्सर नोकझोंक देखी जाती है। मुख्तलिफ गिरोहबंदी मरकज से लेकर रियासत तक है। कांग्रेस पार्टी का यह भी अहमिया है कि कश्ती डूब रही है पर आपसी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। वैसे कुछ लोगों ने
2023 में कांग्रेस की हुकूमत हासिल करने की बात कही जा रही है। भाजपा की जानिब से राम मंदिर चंदे को लेकर माहौल को बिगाड़ने की बात कई इल्मी दानिशवर कह रहे हैं। बेलगाम में भी 15 जनवरी से राम मंदिर को लेकर जुलूस निकाले जाने की तला हासिल हुई है। कुछ शहरी ने इस पर एतराज करते हुए कहा कि आवाम को ऑनलाइन पीएम केयर फंड की तरह अकाउंट में जमा करने ना के किसी जुलूस की इजाजत दी जाए, क्योंकि इससे पहले दिगर शहरों में चंदे के नाम पर दंगे कराए जाने की वारदातें सामने आई। अलग बात है कि इसका फायदा महज भाजपा को ही हो सकता है। जो भी हो, रमेश जारकिहोली ने लक्ष्मी हेब्बाळकर पर तंज यूं ही नहीं कसा है, बल्कि आने वाले चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर आवाम को ही सोचना होगा कि आखिर सियासत को किस दिशा में ले जाना। आखिर तमाम बातों से बढ़कर संविधान है और इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।